बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। तो आज की मेरी मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी है आलू मटर और गाजर का पुलाव। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत लाजवाब बनता है जी। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने आधा कप जो है वो ऑयल का डाल लिया है। और आप लोग भी मुझे बताइएगा आप लोग किस तरीके से ये पुलाव बनाते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं बनाने के और बड़ा ही लाजवाब बनता है। सर्दियों में मज़ा आता है क्योंकि लाल लाल गाजरें आई होती हैं, तो वो चावलों के साथ जो उसके कलर का कम्बिनेशन है बड़ा आउट क्लास लगता है जी। तो अब प्याज जो है वो मेरा हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया, इसको मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और अब मैं इसके अंदर जो है वो तमाम सब्ज़ी ऐड कर दूंगी, जिसमें गाजर है, आलू है और मटर है मेरे पास। और साथ ही इसमें मैं टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट है और गरम मसाला है। गरम मसाले में भी वही है, ज़ीरा, काली मिर्च है, लौंग है, तेज़पत्ता है और बड़ी इलायची है जी। तो अब इसको मैं अच्छे तरीके से पहले हम इसकी भुनाई करेंगे। और कोई भी आप खाना बनाते हैं, जब तक आप उसको ज़बरदस्त सा जो है वो भुनेंगे नहीं, तब तक उसके जो है वो जायका नहीं निकलेगा जी। तो अब मैंने इतना इसको भूनना है कि ये अच्छे से भुन भी जाए और इसका कलर जो है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो, क्योंकि चावलों में जो है वो कलर इनका ग्रीन, रेड और ये जो आलू का येलो येलो सा कलर है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। और जी तो अब मैंने इसको अच्छे तरीके से देखें भून लिया। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा, आप लोग भी फीडबैक दिया करें जी। तो अब मैंने इसमें चावलों के हिसाब से जो है वो पानी ऐड कर लिया है और अब मैं इसको बॉयल आने तक जो है वो बनाऊंगी जी। तो हमारा बॉयल आ चुका है और अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। चावल मेरे पास 2 गिलास थे और मैंने उसी हिसाब से इसको मैंने 1 घंटा पहले जो है वो भिगो के रख दिया था। और पानी जो है वो मैंने कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब आप चावलों को 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले भिगोते हैं तो चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, और फिर जब आप पानी ज़्यादा डालते हैं तो वो फिर घुल से जाते हैं। इस वजह से हमने पानी की मिकदार इसमें कम ही रखनी है। अगर हमें ज़रूरत होगी हम चेक कर लेंगे तो पानी और ऐड हो सकता है। अब मैं इसका वेट करूंगी कि ये बॉईल हो जाए, तो फिर मैं इसका पानी खुश करने पे हम इसको दम लगाएंगे। और कलर देखिए आप कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं जी। तो देखिए पानी हमारा जो है काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। और मेरी ये है कि मैं जब भी चावल बनाती हूँ मैं इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं मारती हूँ, ताकि चावल जो है वो हमारा टूटे ना और खिला खिला बन जाए। जब आप चावलों में बहुत ज़्यादा चम्मच मारते हैं तो उसकी वजह से चावल जो है वो टूट जाते हैं और वो अच्छे नहीं लगते हैं जी। तो अब ये स्टेज है इसकी दम आने की। पानी हमारा जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है, हमने इसको ऊपर से नीचे तक हिला लिया है ताकि नीचे ना लगे हमारे चावल। तो अब हम इसको दम देंगे और दम हम इसको 15 मिनट का देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। दम देने से पहले इसका पानी जो है वो अच्छे तरीके से हम लोगों ने खुश्क करना है, ताकि हमारे जो चावल हैं वो खिले और इनको जो है वो स्पेस मिले जी। तो ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं, दम हमारा आ चुका था बड़ा ही ज़बरदस्त सा। और देखें जी हमारा जो आलू मटर और गाजर का पुलाव है वो रेडी हो चुका है। आप इसके कलर चेक करें, मैं आपको मिक्स करके भी दिखाती हूँ। इतना ज़बरदस्त ये बना था और बहुत मज़े का बना था। और देखें आप चावल कितने ज़बरदस्त से खिल गए हैं जी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।